नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं वंदना। कोरोना बंदी में सबसे ज़्यादा तकलीफ जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। न तो उनका कारोबार चल रहा है, जो कारोबार करने में लगे हुए हैं वो भी लोग सड़क पर नहीं मिलने के कारण, ग्राहक ना आने के कारण उनका कारोबार जो है वो ठप पड़ गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि यहाँ जो गर्मी के समय में घड़ा बिकता था, जो लोग फ्रिज का पानी न पीकर के घड़े की आनंद लेते थे, अभी कोरोना के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे हैं और इनकी जो घड़े की बिक्री है वो नहीं हो पा रही है। ग्राहक है वो इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर रंगीन घड़ा है, बड़ा घड़ा है, छोटा घड़ा है, हर साइज में यहाँ पर घड़े हैं, लेकिन लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। सभी घड़े के अलग अलग कीमत हैं, बड़ा का कुछ अलग कीमत है, उससे भी बड़ा है उसका अलग कीमत है, लेकिन लोग जो हैं वो ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। हम दुकानदार हैं, इससे जाने की कोशिश करेंगे कि आपकी बिक्री कैसी हो रही है। नहीं, बिक्री अभी मंदा मेरा, अभी बिक्री हो ही नहीं रहा। जो माल फंसा हुआ, जो दोहली के पहले माल जो आया वो सब अभी पैक है, अभी तक माल निकला नहीं है। मेन बात, गाड़ी घोड़ा चल नहीं रहा, आदमी चल नहीं रहा रोड पर, बिके कहाँ से। अब इधर कुछ दिनों में लॉकडाउन 4 में लोगों को छूट दिया गया है, तो क्या इधर इधर 10-5 डेली बिक रहा है। इधर गाड़ी आवन गमन ज़्यादा हो गया, 2-4-5 बिक रहा है। ऐसा तो आप पूंजी इसमें लगा चुके हैं, वो पूंजी भी वापस नहीं हो? नहीं, पूंजी का समझिए कि लॉस में जाएगा। अभी मान लीजिए 50% भी अगर पूंजी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 20 खत्म है। वो तो जो भी बेच रहे हैं 10-5 सब पेट में चल जाता है। तो आपका ये जीवन मतलब इसी से कारोबार, इसी से बच्चे से, मतलब समझिए कि 10-8 से इसी में हमें सब काम, रोजगार यही वाला है, और कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिली। कोई लोग भी आप लोग से जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, कुछ नहीं। आप लोग जो वोट देते हैं पार्षद को देते हैं, मुख्य विधायक को देते हैं, वो लोग भी आप? नहीं, वार्ड में भी दिए हैं, उसमें भी नहीं आया ना। एथी वाले भी वो देते हैं, सीएम वाला नीतीश कुमार को भी, वो भी नहीं कुछ मिला, कहीं से कुछ राहत नहीं है। ये है कि प्रशासन बंद नहीं करवाता, पहले बंद करवाता था, अब नहीं बना, बोलते हैं बेचो, ये प्रशासन। आप बताइए कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कहीं कुछ आपकी बिक्री नहीं हो पा रही है, तो घर परिवार कैसे चला रहे हैं आप? घर पर कर्जा ले चले, किसी से मांग लिए 10-5 हज़ार रुपये, फिर बेच के खा के फिर बेच के दे देते हैं उसको, क्या करेंगे। माल उधार आया हुआ उसको 50% देते हैं, बाकी उधार रहता है, अब धीरे धीरे कमा के देना है। तो देखिए, ये दुकानदार का ये दर्द बता रहा है कि जो फ्रिज माने जाने वाले जो घरेलू घड़ा को, ये बिक्री नहीं हो पा रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, लोग कैसे लॉकडाउन में जी पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। सरकार के तरफ से भी कोई इधर देख रेख तक करने नहीं आ रहे हैं। संकट जो है धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, परेशानियाँ बढ़ती जा रही है और कहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ ग्राहक हैं जो यहाँ पे, अब क्या ख़रीदने के लिए आए हैं सर? सुराही खरीदने के लिए आई मैडम जी। तो घड़ा आप ले रहे हैं? जी हाँ, फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, ठंडा सुराही का पानी पिएंगे, उससे कोरोना हो सकता है, क्या हो सकता है। अब घड़ा का ही पानी पीते हैं जी। तो कुछ ग्राहक है जो घड़ा खरीदने के लिए आए हैं और अब देखना यही होगा कि क्या इनकी घड़ा जो है वो बिकती है या वो खरीदते हैं, क्या करते हैं। अब तो भगवान राम ही जाने, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पिछले की अपेक्षा इस बार घड़ा की कीमत में भी है वो काफ़ी गिरावट आई है। पहले जो था वो काफ़ी 150-200 में घड़ा बेचते थे और बिक भी जाता था, लेकिन इस बार घड़ा की जो कीमत है वो भी एक सस्ते कर रखे हैं, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पूछ करके चले जा रहे हैं, तो इनकी बिक्री बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो इसका बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।